क्या आ रहा हूँ, मेहमानों के लिए कुछ आखिरी ठंडा पानी भी तो होना चाहिए ना। क्या जिमी डी सेंटा, आपको नाजिस से निकाह कबूल है? जी कबूल है। ये साहब हुक्म कर रहे हो बारिश ही, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है इस छोकरे और उसके भेणजे छुड़वारों के दोस्तों से पहले किसी अपने को रास्ते से हटाना चाहिए। साहब आप सिर्फ हुक्म करे थी हो, आपके लिए तो मैं डाडो साई को भी रास्ते से हटा सकता हूँ। आप सिर्फ हुक्म करो। ऋषि क्या बकवास कर रहा है? वो कोड़ी के नौकर पड़वा, तू डाडो साई के खिलाफ बातें करेगा पड़वा? तू तेरी हिम्मत कैसे हुई बाबा सोचने की भी? बाबा मैं चाहे कुछ भी बोलूं, तू दो कोड़ी के नौकर खड़ा हो बाबा। साहब अब नहीं बोलूंगा, साहब माफ कर दो साहब। बाबा चुप कर, जो होना था हो गया, इंतजार नहीं करियो। नहीं नहीं साहब, गलती से भी नहीं। बाबा गुस्सा मतलब शैतान, आराम काम और जमाली आराम काम करता नहीं है बाबा। बाबा अभी किसी अपने को रास्ते से हटाने की जरूरत नहीं है बाबा फिलहाल। बाबा आज का निकाह फंक्शन भेणजे छुड़वारों के लिए मैयत फंक्शन बन के रहेगा, वो भी बिना कौन बाए। और साहब कैसे? बाबा ऋषि इंतजार कर, मैं आया निकाह की मुबारकबाद देके। छोड़ दे डैडे। अब क्या यार हो गया अंकल भाई, टेंशन नहीं लो पहुंचा दूंगा मैं, रक्षे से खींच लेगा देख ले भाई। हाँ अरे गियर निकाल के आराम से जाएगी, धक्के से जब लो सकती हो तो फिर रक्षा। हाँ ये भी है, लॉजिक वाली बात है। सही है अंकल भाई फिर? हाँ सही है। चलो ए चले भाई, सही बांधा है ना? हाँ हाँ बस स्लो स्लो चलाइए, सही है। हाँ भाई सही है अंकल भाई। हाँ ठीक है ना, पहुँच के मैसेज कर दियो। हाँ हाँ माइकल भाई ये रही दुकान, चल। हाँ भाई चलो बैठ जाओ। चले भैया। अबे बैठ जा भाई तू। हाँ हाँ भाई, पता नहीं चल पाई नहीं पाई। बिस्मिल्लाह हेमले, अरे क्लच तो पकड़ा ही था। चलो भैया चलो भाई पाशा। अबे क्या हो गया? अरे बिस्मिल्लाह चल 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 चल, यहाँ से उतरिया ना, बस फिर स्पीड पकड़ लूँगा। चल 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 चल, अबे यार रश का ख़राब ना हो जाए हमारा यार, चल जा भाई। अबे यार क्या हो रहा है ये सब, तू चले जा पहले। नहीं भाई, अबे भाई रस्सी हटा भाई, रश का ख़राब हो रहा है मेरा। अबे भाई रस्सी हटा, शाबाश रश्के की माँ बहन हो रही है भाई। क्यों क्यों चलो ना। अबे भाई रश्का चल नहीं रहा है हमारा, इतनी बड़ी गाड़ी तूने बांध दी है भाई, हटा यार। अबे गियर में थी वो, अब चलेगी जो आद हो गई है यार, चरिया आदमी है कोई, चलाना आती नहीं है, स्टेयरिंग पे बैठ जाते जाहिल। डीवी पे डाली हुई थी गाड़ी। रश्के क्या हो गया, भाग ना। अरे मैं तो भूल ही गया, गाना तो लगाया ही नहीं है मैंने।
देखा हमारे गाने की पावर, रचका दौड़ता दौड़ता, फिर चाहे टरक हो या गाड़ी, चल सेठ आजा बार, पैसों का हिसाब किताब कर ले दे। आया अब आया। वो दुकान पे तो कोई नहीं है, फिर ये रईस टकले की और शराफत की गाड़ी क्या कर रही है? जिमी भाई की भी है शायद, ये क्या चुरा दी? कितना होगा भाई? भाई सिर्फ आपके लिए 900 रुपये। तबीयत तो सही है तेरी? भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो सही है, लेकिन तुम्हारी नहीं लग रही यार। खुद देवो ते लोहा लाड गाड़ी रश्के से खिंचवा रहे हो यार तुम। खुदा को मानो हमारा रश्का गिरिया था, वो तो हमारे गाने की पावर है, जब भी खिंचिया, वरना कोई और होता तो तुम्हारे गले आ जाता। अबे वहाँ से यहाँ लाने के मैं तो 50 रुपये देने के चक्कर में था, तू तो सीधा आसमानों पर पहुँच गया भाई, सातवें आसमान से भी ऊपर। मेरे प्यारे भाई 40 पैसे मांग रहा हूँ। अबे चल आ, तू रस्सी तो खुलवा, 40 पैसे मांग रहा हूँ, फिर देखते हैं। भाई पैसे इतने ही होंगे, तू रस्सी तो खोल। अच्छा भाई, फिर देखता हूँ मैं 40 पैसे साल। चल खोल रहा हूँ भाई। भाई 900 रुपये भाई। अब 200 रुपये ले ले बेटा, शाबाश। वायद नहीं होते यार, जायज़ मांग रहा हूँ बिल्कुल यार। क्या पता गरीब को 900 रुपये तो तुम्हारा रंग गोरा होने लग जाए भाई। अबे यार, हाँ भाई चल 500 रुपये ले ले। चलो सही है, चलेगा ये भी, अल्लाह आपका रंग गोरा करवाए। आमीन। पता नहीं कब होगा। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। काले बिरयानी अच्छी थी, गाड़ी तो अंदर दबा के खड़ी करा करो भड़ो, कि रात देख के शार्ट हो जाए। बोले पेड़ के दुनिया भर की गाड़ियाँ यहीं आई हुई है। हाँ ये तो सही बोल लो भाई, लेकिन अंदर से उस टाइम पे हालात जायजा कुछ ऐसा था ना। हाँ ठोका ठाकी की आवाज़ आ रही थी, हम समझे डकैत घुस गया। मैं तो समझा भूत। हाँ तेरे से अनपढ़ गवार यही समझ सकते। समझा लो मोटे को और इन दोनों कंजरों को भी। अबे हमने क्या किया अबे? चुप करो भेड़गड़, उतरो यार। ज्यादा गाड़ी बिरयानी, वो गाड़ी हटाया टकले रास्ता के लिए यार मार। हाँ भाई हटा रहे, चल कहते। हाँ भाई हटा रहे, मैं भी हटाऊ ना। हाँ अबे पापा, अबे पापा देख लिया है दिन। अबे डाडा लाया है पापा, और पापा से डर क्यों रहा है इतना बड़वे? पूरी मार के आए ना तू एलिफेंट। डाडे ओ डाडे, ओ बारा आ गए उस्ताद जी आप। उस्ताद जी? अबे क्या हो गया डाडे, दवाई ला के नहीं पी गया तूने आज? भाई वो आपको गुस्सा आ जाता है ना तो जब। अबे यार अच्छा बता क्या हुआ, मांटू में क्या मिंट हुआ है भाई? यार चेक कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है बैटरी का तार जलवा। तू नीचे क्या चेक कर रहा है? कहीं पंखा ना जल गया हो, वहाँ से भी बदबू आ रही थी जलने की। अच्छा अच्छा चल अच्छा, गले मिल। नहीं यार भाई बोल रहा हूँ ना इधर आ। जी जी आ रहा हूँ। तो तुम्हारी लड़ाई हो गई थी क्या? नहीं 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 नहीं, वो बस वो उस्ताद क्या करना है माइकल भाई की गाड़ी का। हाँ उस्ताद, माइकल भाई की गाड़ी का क्या करना है? चल भाई, माइकल भाई की काल ही आ गई, मोटे तेरे हिटलर बाप की काल है। वो बताना जी उस्ताद, मैं यहाँ हूँ। बताऊंगा मैं तो। नहीं यार। हेलो, हाँ माइकल दादा, दो खबर। हाँ मूड फर्स्ट क्लास हो गया भेड़ के। अबे नहीं यार, वो बात थोड़ी लाइट वाइट गई हुई थी, बत्ती भेड़ के टोलों ने रिश्ता दिया हुआ था, तेरे को तो पता ही है मुलक के हालात। निका आज? अबे ना कर यार, मुबारक हो भाई। अबे तो 2 दिन बाद तो बारात में करने का हो रहा था ना, आज अचानक क्या? रुक यार, सिग्नल नहीं आ रहे तेरे। अब आ रहे? हेलो हेलो बड़वे, आ रही आवाज? हाँ कुछ सुना तो नहीं ना। आज हालात ये सीन हो गया ना टाइट, फिर बारात में बस अच्छा नाच गाना होगा, खाना पीना वही वली में आला हिसाब किताब, समझ लड़की वालों का वली में। हाँ जानी पहुँच जाएंगे, टेंशन ही नहीं रहे। कितना अफराद को लाऊँ? पूरे मोहल्ले को ले आऊँ क्या? चल सही है जानी, आप पहुँच जाएंगे 3 बजे। चल ठीक है, हाँ साथ ही निकल लेंगे, फिर कॉल कर दियो तू। चल ठीक है, बता दियो जैसा भी हो। जिमी से? अबे दूल्हे साहब बोल भाई।
नहीं यार, बात ही नहीं सुबह से, क्यों क्या हुआ? तबीयत खराब है, बेड से भी नहीं उठा जा रहा। मोशन लगे हुए बातों पे, जानी गन निकल फटाफट यार, दवाई ववाई दिलाए इसको, वरना तो आज का प्रोग्राम गीला कर देगा बिल्कुल। ओके अल्लाह हाफिज। क्या वो टट गया हुआ क्या, टू मीट गया बड़वा? भूला है पापा, मेरे को मोशन लगे हुए, बेड से भी उठा जा रहा। हो गया बेटा तुम सब लोगों का? अबे बल्लू तेरे को समझा, बाप को बता के आएगा जहाँ भी जा रहा हो यार। यार मैं नाजिद से बातें कर रहा था, पापा बोले गाड़ी को धक्का लगाना, मैंने पापा को टोपी ले ली। बड़वे के बच्चे अपने बाप के काम नहीं आएगा तो फिर किसके आएगा? हम घोर वही ना, गंदी औलाद पाली है माकल भाई ने। बेटा तू चुप हो जा। कसम खुदा की बल्लू, तेर से उम्मीद नहीं थी, चीन सब बड़वों से थी, देख रहा डाडे? आ उस्ताद नस्ल बर्बाद हो गई आज की। वही ना, बाप की शलवार फट गई बेटे को पालने में, और बेटे ने ही करा दी अपने बाप को टोपी, वो भी जानू को मनाने में। वाह 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 वाह। तो यार था सबके सामने जलील कर लो तू। तो आराम कर, तेरी हरकतें सबके सामने जलील होने वाली, अपने बाप को टोपिया पहना रहा है यार तू। उस्ताद बस छोड़ दो यार, छोड़ दो यार। आनी तो चल दफा हो घर अपने, घरा को यहाँ से शक्ल घूम कर, बाप तेरा घर पहुँचने वाला होगा। पर तो ये बात पहले बतानी थी ना, जलील बाद में भी कर सकते थे, अभी बता रहे। अगर पकड़ा गया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सब लोगों को। अबे शंटू रुक तो सही। ओए ओए आनी तो जलील कर रहे यार, इंसान समझाने के बजाय जलील कर रहा है यार सबके सामने। खुद बताओ यार तुम लोग, गलती होती है यार इंसान से यार। अबे उसको बोलता तो उसका मुंह बन जाता, खराब यार सब जलील करने पर तुले मेरे को। अबे नाजिश को क्या हो गया? हेलो हाँ नाजिश बोलो। जिमी मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ मरे हो यार? वो यार मैं थोड़ा यार पता क्या, मैं बाथरूम में स्लिप हो गया था यार। अरे तो पागल बता तो देती यार, मुझे शर्म आ रही थी यार, बस मेरा ना पैर थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया। अरे तो गदीप आज तो मैं तुम्हें ऐसी गुड न्यूज़ देने वाली थी। है कौन सी गुड न्यूज़ नाजिश? ये तो अपनी। अरे गधे वो नहीं चाहिए तुम यार। अबे यार तुम हंसती हो ना यार, सारा ना वो दूर हो जाता है। क्या दूर हो जाता है? डिप्रेशन। अच्छा अच्छा मैं तुम्हें घर पे आके कॉल करता हूँ यार, अभी मैं बाहर हूँ। हाँ जल्दी से आ जाओ, गुड न्यूज देनी है तुम्हें। हाँ जल्दी से ही आ रहा हूँ, वरना मेरी बैड न्यूज सुनोगे तो। अल्लाह हाफिज। ठीक है ना भाई? अबे यार वैसे टैक्सी में भी सफ़र करना सही रहा। अब मैं फलाना को बुलाता कि मुझे ड्रॉप कर दे, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, ये वो, इससे अच्छा बंदा टैक्सी करे और आ जाए। पैसे लगते हैं लेकिन आप सफाइयाँ नहीं देते फिरते लोगों की। चलो खैर है, चलता है अभी तो, जाके इसको देखूँ इसकी तबीयत कैसी है, फिर देखता हूँ क्या करना है भाई। ऑफिस चलो पापा। कुछ नहीं हुआ नाजिश, कुछ हुआ पापा? अच्छा मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, सही है? हाँ ऑफिशियली निकाह फाइड हो गए अपन। हाँ हाँ चलो सही है। ओके अल्लाह हाफिज, थोड़ी देर में करता हूँ, थोड़ी देर में बस। हाँ ओके अल्लाह हाफिज। बस यार मेन्यू में खाना अच्छा रखा हो इन साई वालों ने ना, और कुछ नहीं। लो भाई बहुत बड़ी उम्र है यार कसम से। हेलो अस्सलाम वालेकुम साई। बाबा वालेकुम अस्सलाम माइकल, कड़ा हाल तई? ठीक ठाक साई। बाबा पहुँचे नहीं अभी तक तुम? क्यों टाइम हो गया क्या साई? बाबा टाइम को छोड़ 2:30 बज रहा है, कहाँ पे इन टाइम पे आने का इरादा है क्या बाबा? तेरे बेटे का ही निकाय। हाँ हाँ साई बस आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बाबा चल दे कर। हाँ हाँ ना धो के आ रहा हूँ, अभी घर पहुँचा बस आ रहा हूँ। ओके बाबा अल्लाह हाफिज। अबे यार अब ये एक और नई मुसीबत टूट पड़ी है। मैं तो सोच रहा था घर आके इसको ले जाऊंगा गौरी हकीम को दिखाने, लेकिन घर पहुँचाऊँ तो अभी साई के तमाशे शुरू। भाई अब जैसी भी हालत है जाना तो इसको पड़ेगा। चलो ये खड़ा हो जिमी। ओ जिमी अब साई को भी बताते हुए शर्म आए कि भाई हमारे बेटे को तो 10 लगे पड़े। ओ जिमी अबे भाई तेरे ससुराल वालों ने निकाह रख दिया है, वो कैंसिल कर तू क्या? तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो। नहीं पापा, पापा क्या ड्रामे कर रहा था ना तू? नहीं पापा वो दर्द हो रहा है यार। चल फिर बेटा आज कैंसिल कर देते हैं, बोल देते हैं बारात में ही करवा लेंगे यार, फजूल में तेरी तबीयत भी ख़राब है। नहीं पापा थोड़ा फ़र्क तो हुआ है, अभी मैंने ना केला खाया है उससे फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है तो भाई जल्दी से उठ के ना वाले वो बुला रहे हैं, वो भाई आधा घंटा है बस, उस्ताद वालों को भी मैंने बोल दिया है। अच्छा पापा आप किस में आए? वाक्टू की आवाज़ तो आई नहीं।
तो तू उठा हुआ था यानी? नहीं नहीं वो वाइब्रेशन होती है ना उसकी, अपन ने स्ट्रेट वाइब कराई हुई है ना, वो उसकी आती है पापा अपर तक आवाज। अबे वो तेरे को बताया तो था, जब ही तो बुला रहा था तुम्हें, अब तुम तो पेट सड़ा के बैठे हो। चलो खड़े हो यार, जल्दी से तैयार व्यार हो। अच्छा तो पापा आप पैदल आए? अबे नहीं नहीं टैक्सी में आया हूँ। अच्छा तो उस्ताद वालों को बुला लेते यार आप टैक्सी में, यार अच्छा थोड़ी लगता है। अबे क्या हो गया, अच्छा थोड़ी क्या, अबे क्या तंग करूँ दूसरों को। चल वो भी आ रहे हैं यार, उस्ताद वालों को बोल दिया मैंने, तू भी खड़ा हो फटाफट, क्या पता मार्क टू भी लेके आए, बोल तो रहा था उस्ताद। हाँ बाबा खड़ा हो रहा हूँ, शायद मार्क टू आज ना आए। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। चल तू जल्दी से तैयार हो जा। हाँ बाबा। चलो यार मैं भी तैयार हूँ। नाजिश मुझसे शादी करोगी? निकाह। Cruising in a Benz, I got everything I need. Gaane sare trend kare kya main Aladdin. Chote underground ko bulaya mainstream. Sabse alag sound mera sabse badi team. Cruising in a Benz, I got everything I need. Gaane sare trend kare kya main Aladdin. Chote underground ko bulaya mainstream. Sabse bada sound meri sabse badi team. Drip heavy, Johnny, you know mera syntax. Drip heavy, I'm a lunatic. When I feel like I don't like to drink, but may you drink guy. Kaise bayan kare khud ko kaise ban gaye? Kaise makam par ho gaye ban gaye? Logon ke liye jeena to aasan kare, yeah aasan kare. Baby you know all my secrets. You're so toxic that I need a reset. Always fly like a G6. She wanna party every weekend. Choosing in the Benz, I got everything I need. Gaane sare trend kare kya main Aladdin. छोटे अंडरग्राउंड को बुलाया मेन स्ट्रीम सबसे अलग साउंड मेरा सबसे बड़ी टीम खुद ना बन जा कर भी देगा नीड गाने सारे ट्रेंड करें क्या मैं अलादीन छोटे अंडरग्राउंड को बुलाया मेन स्ट्रीम सबसे बड़ा साउंड मेरी सबसे बड़ी टीम वर्ष सब डिटेक्टिव है कलम ने असीम मौत पर हक है सो गैर की तिपिन शेयर पूरा किंगडम है रोले लाइक अ किंग भाई करे शाइन मेरी चेंज करे ब्लिंक जो के अभी जमाली एवरीथिंग लुकिंग सुटो और नॉट डाडो साईं एवरीथिंग लुको डाडो सुटो डाडो साईं अब आलू को क्या बोल रहा है जमाली यही होता है जब भारत से यूनिवर्सिटी से पास कराओ डाडो साईं मुंह से निकल गया डाडो साईं
एवरीथिंग लुकिंग परफेक्ट सूट हो डाडू साईं। अब ठीक है बाबा, ठीक है वीको को छोड़। अब ये बता, सोफे पे चादर वादर चढ़वाएं क्या रंग बिरंगी? नहीं नहीं डाडू साईं, वाइट ही अच्छा लग रहा है डाडू साईं, फजूल में और खर्चा होगा डाडू साईं। डाडू साईं एक तो आपने छोकरे वालों को पार्टी भी इतनी महंगी दे दी, ऊपर से अब निकाह भी करा रहे हो गोट में, और वलीमा भी होगा। अब आ तो तेरे से पैसे मांग रहा हूँ क्या बाबा? तेरी इकलौती बहन की शादी है, कुछ तो शर्म कर जमाली। डाडू साईं मतलब मेरा वो मतलब नहीं था डाडू साईं। बाबा मतलब मतलब को छोड़, ये बता खाने वाले को बोल दिया? भाई कौन है ये भेड़िया चुड़ू? डाडू साईं ये ऋषि आया डाडू साईं, एक ने डाडू साईं पे आ रहा हूँ। बाबा यही रहियो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, छोकरे वाले आते ही होंगे। आज मुझे किसी भी चीज में कमी नहीं चाहिए जमाली, याद रखियो। बेफिक्र हो जाओ डाडू साईं, आज तो किसी चीज में कमी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। आ रहा हूँ डाडू साईं। बाबा ऋषि सही टाइम पे आया बाबा तू, बिल्कुल दे रिपोर्ट बाबा, बंदे तैयार हैं। साबो बाबा वो क्या बाबा, और ये डैशबोर्ड पे क्या पड़ा है बाबा? जहाज बनने का दादा शौक चढ़ गया क्या तुझे ऋषि? नहीं नहीं साबो बाबा, वो को छोड़ बाबा, ये बता बंदे तैयार हैं या नहीं? साबो बंदे तो साहब मैंने नहीं तैयार करवाए। क्या बात कर रहा है भेड़ जा छोड़? साबो शौकत से बात हुई थी। भाई शोकत से बात हुई थी तो उसको क्या भेड़ देगा बाबा? मैंने तेरे को जो बोला था तूने वो क्यों नहीं किया कुतिया पुट? वाह कसम से ऋषि जिंदा गाड़ देता अगर डाडो साई या उसके बंदे नहीं खड़े होते। साफ साफ वो शोकत से बात हुई थी तो वो कह रहा था। शोकत को बत्ती बना के अंदर दर ले ले। साहब मुझे गल तो सुन लो साहब, किडनैपिंग में साहब खून खराबा अलग होता और पकड़े जाने का भी खतरा था साहब, और इस भेड़ जटी तो वो पूरा लॉस सेंटोस जानता साहब, कोई गुंडा मुखबरी कर देता तो अपन के तो लेने के देने पड़ जाते साहब। इत्तेफाक से साहब शोकत की मेरे पास कॉल आई आपके जाने के बाद, हाल हवाल ले रहा था उसके मुँह से निकल गया, डाडो साई ने इंतजाम कराया खाने पीने का छोकरे वालों के लिए। बाबा भेड़ जो टट्टो ऋषि, ये तो बच्चों बच्चों को भी पता है, जब किसी मेहमान को बुलाते हैं तो उसको खाए पिलाए बगैर नहीं गरक करती। साफ सोचो अगर मेहमान आज खाना खाए और गरक सीधा इस दुनिया से हो जाए फिर? बाबा ये क्या कह रहा है बाबा ऋषि, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में बाबा? साहब अपने बिल्कुल सामने देखो समझ जाओगे। बाबा वो तरह भी है बाबा ऋषि, जा गया बाबा। साहब ये कौन है? बाबा भेड़ जे चुड़वारो आ गए, गाड़ी आगे लगा। अच्छा साहब बाबा यही दबा दे बाबा, उतर बाबा, इन भेड़ जे चुड़वारो का इस्तकबाल करें आखिरी दफा। हाँ हाँ साहब, आ जाओ साहब। ले आए सर। बाबा अब सर भी नहीं बोल। चल भाई जमीन तेरा साला इस्तकबाल कर रहा है। अबे यार पापा ये क्या कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, खुद ही डर रहा है भाई तेरा साला। सही डरा दिया यार आपने इसको। अबे कुछ बड़बड़ा रहा है वो। भैया साइड में गाड़ी लगा दो। किधर लगा दो? उधर वो लगा पापा शायद उधर। अबे उधर कहाँ? हाँ पापा यही बोल रहा वरना बोलता अभी इशारा करता। अबे यार कीचड़ हो रही है। बस भाई भाई यहाँ डाडे मेरे बेटा जगह अच्छी है ना। हाँ बन नाले उतरते ही कीचड़ में। अबे आंडू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ चल रहा है भाई और के पीछे। रुक जा ना टकले, वहीं लगा ले गाड़ी। अबे अपना रेवो डाला दिखा रहा था इन लोगों को। बेटा तेरे को सीधा अपना केला दिखा देगा वो। फिर बोलेगा ये क्या दिखा दिया, रोता आएगा फिर। तू सबके सामने जलील होना चाह रहा है फिरावनी भड़वे? अफसोस के साथ साहब इनका आज आखिरी दिन है मस्तियाँ करने का। हाँ बाबा सही बोल रहा है डाडू साई, डाडू साई छोकरे वाले आ गए डाडू साई।
बाबा माइकल बाजार पे हाईवे पे मजा आया नहीं आया तेरे को? यार ऐसे चलाते हैं क्या? अबे यार सर तुमने मार्क टू को मॉडिफाई क्यों किया? बस जानी तेरा मुंह सड़ गया था ना मेरे से। अबे आ जाओ यार, वो इंतजार कर रहे हैं वो लोग तुम लोग यहाँ पे अपनी। हाँ यार अच्छी लग रही है, उसको टाइट लग रही है मार्क। आ जानी अभी तू देखता जाओ, मार्क एक फिर से घुमाता हूँ मैं। बस भाई हमें भी काश ऐसे दोस्त मिलते, फिर दोस्तों को देना भी बढ़ता देता तो। अस्सलाम वालेकुम साईं, कैसे हो? बाबा वालेकुम अस्सलाम माइकल, कैसा है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। भाई वालेकुम अस्सलाम। बाबा मैंने सलाम तो किया ही नहीं है, तो कर लो बाबा। साथ नहीं करो ना यार। बाबा चलो चलो, बाकी बातें बैठ के भी हो जाएंगी। आ जाओ बाबा बैठ जाओ, थक गए होगे। हाँ तुम यही बैठे रहना। हाँ यही बैठा रहूंगा जानी। माइकल बाबा और बता मेरी गाड़ियों का क्या हुआ? बाबा आराम से बैठे हो ना, सोफा वगैरह लगवाऊं? नहीं नहीं भाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास बैठे हैं। हाँ चलो बाबा ठीक है। यार भाई समझ नहीं आ रही वैसे निगाह रखने की जरूरत क्या थी यार, बारात में हो जो जाता। बाबा मैं भी यही कह रहा था। बाबा जमाली तू बैठ जा पहले। जी जी डाडो साहब, आप लोग व्यो मैं ऋषि को देख के क्या आ रहा हूँ, मेहमानों के लिए कुछ आखिरी ठंडा पानी भी तो होना चाहिए ना। बाबा तू आ जा, ऋषि आ जाएगा। जी जी डाडो साहब आ गया। अबे यार ये लोग गरीब लग रहे हैं, शायद है ना कारपेट भी नहीं बिछवा। अबे साले डाडे बोल भी नहीं दियो गलती से। अबे डाडे तू कश्ती वाली पार्टी में चलता ना, घूम जाता कसम उठा के। अच्छा कश्ती वाली पार्टी, बेटा ये बहुत लंबी कहानी है, क्यों हैंडल लॉक। अड़वे के बच्चों खामोश हो जाओ। अबे ये लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों क्या कर रहे हैं? और साईं सुनाओ खाने वाने में क्या रखवा है? बाबा बिरयानी है और कोरमा है। बेहतरीन हो गया साईं ये तो फिर। बाबा तेरे लिए मीठा भी रखवा है, टेंशन नहीं ले ले, वो चावल की रोटियां तो प्लस चीज हो रहे। प्लस चीज हो रहे? बाबा सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश। बाबा हाँ आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है, मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ, है ना? क्यों बड़वो? हाँ बाबा जमाली देख के आई, ऋषि कहाँ मर गया? जी जी डाडो साहिब, बस आ रहा उसका मैसेज आया डाडो साहिब। अबे मेरे को तो टाइट वाली प्यास लग रही है यार, कसम से मजे भी। जो बाबा जो ऋषि खड़ा हुआ क्या है पिला में मानो को? ठंडा ठंडा लाल रूप सा उस्ताद। हालात अबे इधर लिया पहले। हाँ यार बहुत प्यास लग रही है। बहुत आला। बाबा एक मिनट रुक ऋषि, सबसे पहले मुझे पिला बाबा, बहुत प्यास लग रही है। हाँ साईं आप सबसे बड़े भी हैं, सबसे पहले आप ही पिए, अच्छी बात होगी। पर डाडो साईं पर। बाबा ऋषि अच्छो बाबा, क्या पर करे जा रहा है बाबा, जल्दी करा। लेकिन डाडो साईं बहुत ठंडा है, आपको नुकसान देगा। साहब बाबा ऋषि तो यूतिया वोतिया हो गया है क्या बाबा? साहब आप बाबा जमाली खामोश क्यों बैठा है बाबा, समझ आए इसको बाबा, चरिया हो गया है क्या बाबा? बाबा ऋषि क्या कर रहा है बाबा, क्या कर रहा है बाबा, इधर दे। डूब गई। अबे यार भेड़ जा चुड़ ऋषि, ये क्या कर दिया बाबा तूने? बाबा जमाली क्या कर रहा है बाबा, चिड़िया हो गया क्या बाबा, छोड़ इसको बाबा। हट जाओ डाडो साहब, सब कुछ हुआ ही तुम्हारी वजह से। ओए ओए क्या रिप्टा दिया यार बाबा, दफा हो जाए यहाँ से जमाली। बाबा जमाली पे हाथ उठाया है बाबा, जमाली पे बाबा, वो भी सबके सामने बाबा। देखो अब मैं क्या करता हूँ। डाडो साईं मैं नाजिश को लेके आ रहा हूँ घर से। बाबा कोई जरूरत नहीं है तुझे परेशान होने की, वो अपनी दोस्तों के साथ आज खुद आएगी। तू जा और ऋषि का सरवर तोड़ दे बाबा, तेरी कोई जरूरत नहीं है बाबा, जा सरवर तोड़ उसका। डाडो साईं साहब छटिस
bitch, give a fuck about a nigga. Big Birkin bag, hold 5-6 figures. Stripes on my ass, so we call it pussy tigger. Fucking on a scamming ass, rich ass nigga. Same group of bitches, ain't no ass in the picture. Drop a couple racks, watch his ass get bigger. Trickin' on licking, I'm looking at your nigga. If it's money, I can eat it like a snake. अबे यार उस्ताद, सिविक में BMW के रिम डाले हुए कौन हो सकता है? पता नहीं जानी, बाबा ना जी से आ गई। वूमेन येलो वाली मेरी, ब्लू वाली तेरी। अबे जा ये। आओ ना जी आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। है वालेकुम अस्सलाम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। बाबा ये तुम्हारे दोस्त थे? जी डैडो सही। बाबा तो बिठाओ ना इनको। जी जी बिठाए बिल्कुल, अगर जगह नहीं है तो मैं अपनी गोद में भी बिठा लूँगा। उस्ताद। और बेटा कैसी हो? जी अंकल ठीक। हाँ हम तो अंकल बोला था, छोड़ दो बाबा, बातें तो होती रहेंगी, पहले बैठो तो सही। हाँ हाँ आओ 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 बैठो बैठो इसके साथ, बैठ जाओ। अबे भाई लड़का भी आ गया, लड़की भी आ गई, लेकिन मौलवी नजर नहीं आ रहा। मोटे तेरा बाप पढ़ाएगा क्या निका? हाँ पता नहीं, पूछ लो इनसे। भाई मैं क्या पढ़ाऊंगा अब। बाबा टेंशन कौन हो लो बाबा, मौलवी रास्ते में बात हो गई है मेरी। ये हो ही ना फिर बात। चलो बैठो बैठो, आए आए आप बैठे ना, आए ना। बाबा तुम सही जा रहे हो, चुप कर जाओ बहन के टोलो। आ जाए जी आ जाए, नरम नरम सोफों पे बैठे आ जाए। भाई ते तभी से बात हमसे। सब क्या करना सब, अब हम ना अच्छी अच्छी पिक्स लेना है। हाँ 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 मेरे साथ लेना और अच्छी आएगी। दे ताली। अबे नहीं करो उस्ताद। और नाजिश तुम कैसी हो? तुम तस्वीर खिंचाओ, स्माइल करो यार। जी अबे चीज़ होता है बाबा, हमारे साथ भी लो एक। भाई मेरे साथ ले नहीं रही है, तुम्हारे साथ लेगी। बाबा चुप कर जाओ बाबा, तुम लो बाबा। अरे भेड़ ये कौन आ गया? बाबा मौलवी आ गया 125 पे। हाँ बाबा इसका स्टाइल है। वाह भाई होंडा पर 3-piece सूट पहन के आ रहा है ये तो। हमारे उसमें तो शलवार कमीज पहन के आते थे, क्यों माइकल लाता। जो बात है बाबा, मौलवी साहब क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। बाबा मैं भी ठीक। बाबा चलो आओ बाबा, तशरीफ रखो, शुरू करो निका। जगह दोगे तो आऊंगा ना भाई। वो अकमेर में मार्केट्स रखवा दे मोटे, क्या बोलता है? नाजिश साई जोवारो क्या बाबा ये क्या बोल रहा है? अबे भाई याद हो गई है यार। वो कबूले बोले सही है मोटे। बेटा तेरा दूसरा निका पढ़ा दे जिसको तू समझा रहा है ना बड़े माइकल। हाँ बाबा अब सही बोला तूने। क्या जिमी डी सेंटा आपको नाजिश से निका कबूल है? जी कबूल है। कबूल है? जी जी कबूल है। कबूल है? हाँ कबूल है भाई। क्या नाजिश आपको जिमी डे सेंटा से 1,00,000 हक मेर के साथ क्या ये निकाह कबूल है? मैं बोलो। जी कबूल है कबूल है कबूल है। क्या आप सब इस निकाह की गवाही देते हैं? जी जी भाई बिल्कुल देते हैं। जी भाई बिल्कुल लेते हैं। जी बिल्कुल लेते हैं। बाबा बिल्कुल देते हैं। हाँ मैं भी देता हूँ। तो चलिए फिर खाना और मिठाई मंगवा लें, क्योंकि निकाह सक्सेसफुली हो गया है। मुबारक हो आप सबको। मुबारक हो भाई मुबारक हो, अब तो बच्चे होंगे भाई। मुबारक हो। इसी तो बोल रहा था ना, मेरे लिए डाडो साई को भी रास्ते से हटा सकता है। जी 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 साहब। तो बस वो वक्त आ गया या ऋषि। अरे
अब तो आदत सी है मुझको ब्लैक एंड व्हाइट जीने हैं मैं। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दो कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी जो भी लगी बता दो। और भाई ये वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है, क्योंकि मेरी सोगल यूनिवर्सिटी बेकारिस्टी स्टार्ट हो गई है, तो उसका व्लॉग भी बहुत जल्द आने वाला है। और ये जो बाल बाल आपने अक्सर मेरे हमेशा ऐसे देखोगे ये बड़े बड़े, तो आज आपको कुछ चेंज लग रहा होगा, मैं इसका भी मैं व्लॉग में बताऊंगा मेरे साथ क्या वो हुआ था। तो कलर्स भर दें आप, सही है ना, आपको पता है कैसे भरने हैं। मैं तो जा रहा हूँ एक और पार्टी से मिलने।